इन दिनों भारत को चीन के साथ नेपाल की हरकतों से भी निपटना पड़ रहा है। ये दोनों ही देश भारत के लिए नई नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नेपाल ने उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा को अपने नए नक्शे में दिखाया है। नेपाली संसद इस पर मुहर भी लगा चुकी है। साथ ही नेपाल लगातार उत्तराखंड में भारतीय सीमा पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने और बॉर्डर पर हेलीपैड बनाने में लगा है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लगी सीमाओं पर नेपाल ने गतिविधियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड के धारचूला की तरफ से काली नदी पर 60 मीटर लंबा झूला पुल बना है, जिसे भारत और नेपाल के लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। गांव के लोग इसी पुल के जरिए व्यापार के लिए आते जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये पुल बंद पड़ा है, जिस वजह से यहां के निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के बाद काली नदी के सभी पुलों को बंद कर दिया गया था। सीमा पार के लोगों से कनेक्ट होने के लिए ये पुल गांव के लोगों का प्रमुख जरिया थी। पुल बंद होने के बाद से इस पार के लोगों के लिए उस पार और उस पार के लोगों के लिए इस पार आना मुश्किल हो गया है। भारत नेपाल के बीच पैदा हुए सीमा विवाद ने इस इलाके में रहने वाले हजारों लोगों का भविष्य अधर में लटका दिया है। 17 जून को भारत नेपाल को जोड़ने वाला धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को एक घंटे के लिए खोला गया था। इस दौरान भारत से 59 लोग नेपाल गए, जबकि 23 लोग भारत आए थे। काली नदी पर बने पुल के दोनों तरफ सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में पुल के दोबारा खुलने की संभावना को लेकर दोनों ओर के लोग चिंतित हैं। स्थानीय लोग व्यापार और रिश्तेदारी के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर थे। दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में आई खटास से यहां का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिलहाल दोनों इलाकों से सभी तरह के कारोबार बंद हैं। माना जा रहा है कि पुल बंद होने से नेपाल को भारत के मुकाबले ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।